हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं एक नई रेसिपी जिसका नाम है लौकी की गुजिया। एकदम लाजवाब, हेल्दी एवं टेस्टी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट पड़े हैं, इसको कैसे बनाते हैं, किस विधि से बनाते हैं, चलिए फिर लेते हैं एक लौकी। लौकी को अच्छी तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कर लेंगे, मतलब जैसे सब्ज़ी बनाई जाती है वैसे इसे काट लेंगे। आराम से काटेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। उसके बाद में जब पूरी तरह से मेरी लौकी कट जाएगी तो इसको अलग साइड में रख देंगे। आपको मैं उठा के दिखाता हूँ, मेरी लौकी पूरी तरह से कट चुकी है। उसके बाद चढ़ाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद में इसमें सर्व करते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल सर्व करने के बाद इसमें जीरा सर्व करते हैं। जीरा सर्व करने इसमें हरी मिर्च सर्व करते हैं। उसके बाद प्याज सर्व करते हैं कटा हुआ बारीक। उसके बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जितने भी मैंने मसाला डाला है। उसके बाद इसमें सर्व करते हैं लौकी जो मैंने काटी थी अच्छी तरह से। उसके बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे लौकी को। लौकी भूनने के बाद जब पूरी तरह से लौकी भून जाएगी तो इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे 1 टेबल स्पून नमक, स्वादानुसार नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून सब्जी मसाला। सब्जी मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, इसको मिक्स करेंगे। पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी तो इसको 5 मिनट के लिए ढक कर पकाएँगे। थोड़ा जब पक जाएगा तो इसका ढक्कन खोलते हैं। देख सकते हैं लगभग मेरी गुजिया का मसाला बनके तैयार हो चुका है। उसके बाद करेंगे क्या, लेंगे एक बाउल, बाउल में इसको सर्व कर लेंगे। सर्व करने के बाद में जब थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा तब इसकी गुजिया बनाएंगे। तब तक इधर थोड़ा सा बना लेते हैं पानी जिसमें गुजिया को बॉयल करना है, मतलब गुजिया को पकाना है। लेते हैं एक बाउल, बाउल में डालते हैं 1-2 कप पानी। उसके बाद इसमें सर्व करते हैं हल्दी। हल्दी सर्व करने के बाद में इसको अलग रख लेते हैं। उसका चढ़ाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें सर्व करते हैं 1 टेबल स्पून जीरा। जीरा सर्व करने के बाद इसमें सर्व कर देंगे पानी जो मैंने अभी घोल बनाया था पानी का, इसमें सर्व कर देंगे। उसके बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें छोड़ देंगे 1 टेबल स्पून नमक स्वादानुसार। उसके बाद लेते हैं लोई, आटे की लोई। लेने के बाद में इसको थोड़ी छोटी छोटी चुंगरियाँ बना लेंगे। चिंगरिया बनाने के बाद इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से चिंगरिया काट लिया था, उसके बाद इसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद में इसको अलग से रख देंगे साइड में, सारी इसी तरह बना लेंगे। उसके बाद में सर्व करेंगे जो मैंने अभी बनाया था बैटर, मतलब पानी में बनाया था हल्दी पानी का, इसी में सर्व कर देंगे। सारी गुजिया सर्व करने के बाद इसको थोड़ा सा चलाएँगे, लगभग 20 मिनट तक पकाएँगे। जब मेरी पूरी तरह से पक जाएगी रेसिपी तो तब इसे उठा लेंगे। देख सकते हैं मेरी पूरी तरह से लौकी गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करनी है। देख सकते हैं मेरी लौकी गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। आपको एक काट को उठा के दिखाता हूँ। देख सकते हैं स्टफिंग भी कायदे से हुई है और लाजवाब, हेल्दी एवं टेस्टी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना बच्चों को ब्रेकफास्ट में और मेहमान आने पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।